जनपद में हो रही लूट चोरी नकबजनी की घटनाओं के खुलासों में लगी थाना रामगढ़ ताल की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना प्रभारी राणा देवेंद्र प्रताप सिंह की टीम ने लगातार दबिश की कार्रवाई के तहत पुलिस टीम द्वारा सोमवार को मुखबिर की सूचना पर गायघाट अंडरपास फोरलेन ओवर ब्रिज से दो शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान खोराबार थाना क्षेत्र के अजय कुमार गुप्ता और बच्चा बाबू पुत्र भागवत गुप्ता निवासी डांगीपार तथा प्रमोद सिंह पुत्र सदन चौधरी निवासी डांगीपार मड़ई टोला लालपुर टीकर के रूप में हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से चोरी की 90,500 रुपये नगद, एक 315 बोर का देसी तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्तों पर खोराबार व रामगढ़ ताल थाने में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया, रामगढ़ ताल द्वारा दो अंतर जनपदीय लुटेरे एवं चोरों को गिरफ्तार किया गया था। ये लूट एवं चोरी दोनों प्रकार की घटनाएं करते हैं। इनके पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, 90,000 रुपये नकद बरामद हुआ है, जो उन्होंने विभिन्न चोरी की गई हैं। तीन चोरियां इसमें रामगढ़ ताल थाने की इन्होंने स्वीकार की हैं, बाकी में पूछताछ की जा रही है। एक दर्जन से अधिक मुकदमे इन दोनों पर पंजीकृत हैं। इनसे और गहन पूछताछ करके इन्होंने कहाँ क्या क्या घटना की है उससे पूछताछ की जा रही है। इन पर काफ़ी इतिहास इनका है, इन पर गैंगस्टर भी लगा हुआ है। एक दर्जन मुकदमे इनके ऊपर, जो इसमें मेन अजय गुप्ता है वो काफ़ी सातिर है, उस पर एक दर्जन के आसपास मुकदमे छोटे बड़े सब पंजीकृत हैं।